हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और आज हम फिर साइंस की वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हुए, जो क्लास टेंथ की सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। तो उनका जो आपके परीक्षा में लगातार पूछे जाते हैं और कई बार आते भी हैं, तो लोग बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं उसमें कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है। तो उसको हम सॉल्व करके बताते हैं कैसे करना है कैसे नहीं करना है। वीडियो पूरा देखना और वीडियो देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। बोर्ड एग्जाम जल्दी से जल्दी आने वाला, और कमेंट करके जरूर बताइए कितने लोगों के बोर्ड एग्जाम है। बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं, पढ़ते हैं सवाल। एक चालक के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 10 वोल्ट है, कितना है विभवांतर? वी बराबर कितना दिया गया है? 10 वोल्ट दिया गया है। ठीक है दोस्तों, ध्यान समझना। ठीक, और यदि चालक में उत्पन्न ऊष्मा यानी पावर P बराबर कितना है? 15 जूल है। कितना दिया गया दोस्तों? 15 जूल प्रति सेकंड दिया गया है। तो चालक में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए, यानी I बराबर आपको निकालना है। ठीक है, तो P बराबर फॉर्मूला होता है, सूत्र जिसे बोलते हैं हिंदी में, P बराबर होता है V इंटू आई होता है। ठीक है, लेकिन हमें निकालना क्या है? आई निकालना है, तो हम आई बाहर कर लेंगे, तो ये हो जाएगा P अपॉन V हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई हमें निकालना है। P की वैल्यू कितनी दी गई? 15। V कितना दिया गया? 10। दोनों को जब माइनस डिवाइड करेंगे तो आई बराबर आ जाएगा 1/5। इट इज द राइट आंसर। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एक हीटर में 5 मिनट तक धारा प्रवाहित होने पर 60 कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होती है। कितनी? 60 कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होती है। धारा 3 एम्पियर है। हीटर के तार के प्रतिरोध एवं विभवांतर की गणना कीजिए। समय दिया है, यानी टी बराबर दिया है 5 मिनट। अब मिनट को हम बदल लेंगे सेकंड, तो एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। ठीक है, तो 60 पांच मिनट में 60। ठीक है, तो ये हो जाएगा 300 सेकंड। समझ गए? फिर आई बराबर कितना दिया गया है? धारा आई बराबर दिया है 3.0 एम्पियर। ठीक, और कितने दी गई है? प्रभावित होने 60 कैलोरी ऊष्मा, यानी H बराबर दिया गया है। H बराबर दिया गया है 60 कैलोरी। ठीक है ना, कैलोरी को हम चेंज कर देंगे जूल में। तो जब जूल में चेंज करते हैं तो इसका मान कितना हो जाता है? 60 × 4.2 × 10³ हो जाएगा मान। ठीक है, हमें निकालना क्या है दोस्तों? हमें R निकालना है, ठीक है, और V निकालना है। ये दो हमें मान निकालने हैं। क्लियर हो गया? तो हमने सूत्र एक पढ़ा है, H बराबर I स्क्वायर इंटू आर टी। ठीक है दोस्तों, एच बराबर आई स्क्वायर, ये हमारा क्या है? फॉर्मूला दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें निकालना क्या है? आर निकालना है और वी निकालना है। तो जब हम आर बाहर कर लेंगे तो आर बराबर हमारा क्या हो जाएगा? एच अपॉन आई स्क्वायर इंटू टी। ठीक है, तो एच हमारा कितना दिया है? 60 दिया है गुड़े 4.2 × 10³। ये H दिया गया है, और I कितना दिया गया है? 3 का स्क्वायर दिया गया है, और इंटू T कितना दिया गया है? 300 सेकंड दिया गया है। 0 0 कैंसिल हो गया, यहां पे बचा हमारा कितना? 60 × 4.2/3² हो जाएगा 9, और गुड़े 3 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जब हम गुणा करते हैं तो ये जब गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा
25.2 बटे 9 × 27 इसका जब भाग कर देंगे तो हमारा मान आ जाएगा 93.3%। ठीक है, अब ये हमारा क्या निकल गया, R बराबर निकल गया। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है विभवांतर, यानी V बराबर निकालना है। तो विभवांतर V बराबर क्या होता है, सूत्र पढ़ा होगा, I इंटू आर होता है। ठीक है दोस्तों, तो V बराबर दिया, I हमारा कितना दिया, 3 दिया गया है, R हमारा कितना निकला है, 93.3% का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 280 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर, क्लियर ना। तो ये आज के दो सवाल रहे। ठीक है, जहां पे ना समझ में आया हो वो आप पॉइंट कमेंट कर सकते हैं कि मुझे यहां पे समझ नहीं आया है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है, क्योंकि हम वही क्वेश्चंस बताते हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अगला चैप्टर क्या पूछना है आप लोग प्लीज जरूर कमेंट करिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।